एवरी वन वेरी वन वेलकम टू यूट्यूब चैनल बाय वर्तिका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ए एम रूटीन यानी कि अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ साथ ही में मैं आप लोगों के साथ अपनी डाइट वीक फिफ्टी टू के बारे में बात करने वाली हूँ सो द वीडियो इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट पहले मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन होने वाली है यू गाइज नो कि यू वी रेज़ की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है डर्ट की वजह से पोल्यूशन की वजह से एंड जो हम मेकअप करते हैं उसकी वजह से जो हमारी नेचुरल स्किन है ना उसका ग्लो चला जाता है ब्राइटनिंग इफेक्ट हमारा स्किन का चला जाता है सो एज़ टू रीस्टोर दैट रेडियंट ग्लोइंग एंड ब्यूटिफुल स्किन अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए वाइटमिन सी एंड रिच प्रोडक्ट्स आर रियली रियली हेल्पफुल तो यहाँ पर आई एम गोन इंट्रोड्यूस यू गाइज विद मामा अर्थ वाइटमिन सी रेंज सो गाइज पता है मामा अर्थ प्रोडक्ट्स मैं बार बार आप लोगों को क्यों रिकमेंड करती हूँ reason is very simple mama earth is an indian brand so we should definitely promote indian brand and all the products from mama earth are all natural and free from any harmful chemicals which is definitely a great thing

एज वेल विच इज अमेजिंग आई रियली रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो इसमें ना जो की इंग्रीडियंट्स हैं वो विटमिन सी और टर्मरिक है विटामिन सी इज अ वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट जिसकी वजह से ना कोई भी एजिंग स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स अगर हमारे चेहरे पर होते हैं तो वो उसको रिड्यूस करने में मदद करता है स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है टर्मरिक टैनिंग को हटाने में हेल्प करता है पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करता है स्किन को ग्लो देता है स्किन को अंदर से खूबसूरत बनाता है ऑल्सो टर्मरिक हेल्प्स इन गेटिंग रेड ऑफ एनी एक्ने एज वेल सो इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट्स थलेट्स पैरबिन्स तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस फेस वॉश को रोज़ाना जब मॉर्निंग में और नाइट में इस्तेमाल करते हैं ना तो इंस्टेंटली स्किन ग्लो करती है बिफोर आफ्टर अप्लाई करते ही समझ में आ जाता है फो स्टेप नंबर टू यू कैन अप्लाई वाइटमिन सी फेस मास्क फ्रॉम मामा अर्थ सो दैट्स रियली रियली हेल्पफुल एज वेल चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए एंड देन फॉर स्टेप नंबर थ्री विटामिन सी फेस टोनर है मामा अर्थ का विच इज अमेजिंग गाइज बहुत ही अच्छे से स्किन को ये डीपली क्लीन करता है टोन करता है बहुत ही सूदिंग इफेक्ट uh, देता है स्किन पर और स्किन को एकदम से ब्राइटन अप करने में भी ये हेल्प करता है पोर्स को टाइट कर देता है विच इज़ डेफिनेटली द बेस्ट पार इट एंड इस फेस टोनर के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं दो विटामिन सी एंड क्यूक्यूम्बर सभी लोग जानते हैं कि क्यूक्यूम्बर पिगमेंटेशन uh, को डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए कितना ज्यादा हेल्प करता है और कितने ज्यादा सूदिंग इफेक्ट्स हमारे चेहरे पर देता है एंड क्यूक्यूम्बर इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंग्रीडियंट्स आउट दैर हमारे चेहरे को टोन अप करने के लिए एंड फॉर स्टेप नंबर फोर आई रिकमेंड दिस मामा अर्थ वाइटमिन सी फेस मिल्क गाइज इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है इट हैज़ अ वेरी नाइस एंड रनिंग कंसिस्टेंसी टू इट बहुत ही लाइट वेट है ये इस वजह से ना स्किन में डीपली अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है इट हैज़ अ रोली नाइस एंड स्टोरी पैकेजिंग एज वेल ट्रैवल फ्रेंडली भी ये है uh, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में एनी स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है एकदम से ना स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ग्लोइंग बन जाती है वैन आई यूज़ दिस विटामिन सी फेस मिल्क एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आउट दे आर फॉर श्योर वैन इट इज़ अबाउट मॉइस्चराइजिंग द स्किन डीपली बहुत अच्छा है इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो है विटामिन सी और पीच सो so, जो है होता है ना पीच में विटामिन ए सी और के भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि स्किन को ब्राइटन अप करने में डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं पावरफुल पंच देते हैं हमारी स्किन को और स्किन को ब्यूटीफुल बनाने में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं

जब आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ करेंगे ना यू विल सी द डिफरेंस स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ग्लोइंग इससे बन जाती है एंड सच में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं माई स्किन फील्स रियली अमेजिंग मामा अर्थ की जो विटामिन सी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं दे आर अवेलेबल ऑन मामा अर्थ अमेजन नाइका पर्पल फर्स्ट क्राई तो आप इन प्रोडक्ट्स को वहाँ से खरीद सकते हैं लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो मेक श्योर टू चेक द लिंक आउट और आप मेरा कूपन कोड जो कि है वर्तिका ट्वेंटी ट्वेंटी वन वो इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन मामा अर्थ प्रोडक्ट्स दिस कूपन कोड इज़ वैलिड ऑन मामा अर्थ डॉट इन ओनली तो कूपन कोड भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी गाइज मामा अर्थ एक पीटर सर्टिफाइड ब्रांड है क्रोल्टी फ्री प्रोडक्ट्स है सो आई डेफिनेटली लव सपोर्टिंग द ब्रांड ऑल्सो जब भी आप लोग कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ना कोई भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट और जो ट्री का जियो लोकेशन है पिक्चर है एग्जैक्ट स्पीसीज है वो आपको भेज दी जाती है इज इन इट अ ग्रेट थिंग सो गाइज लिंक्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेक श्योर टू चेक एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो विच इज़ आई ट्राइड रुजुता दिवेकर वीट लस डाइट फॉर अ वीक अ वी टू रुजुता दिवेकर मैम की ये डाइट है ये कहना बहुत गलत हो जाएगा बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा ना कहीं ना कहीं बिगाड़ दी है बट इट हैपन्स समटाइम्स एक्चुअली क्या था कि शुरू में तो मैं रुजिता मैम की डाइट को एज़ इट इज़ फॉलो करती थी वंस इन अ वीक और वंस इन अ वाइल्ड चीट मिल खाती थी सो so, चीज़ें बहुत स्मूथ uh, जाती थी और वो मैं लाइफ टाइम कर सकती हूँ तो चीज़ें बहुत ईजिली हो पाती थी लाइक आई स्टार्टड माई वेट लॉस जर्नी विथ सेवेंटी फाइव के जीज़ एंड उसको मैंने फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट के जीज तक भी पहुँचा दिया बट जो रुजुता मैम की डाइट से मैं पहुँचा पाई थी ना प्रॉपरली uh, फॉलो करके वो सिक्सटी के जीज तक पहुँचा पाई थी बाकी का जो मैंने दो तीन किलो वेट कम किया था उसमें मैंने रोजो तमाम की डाइट में एक ट्विस्ट कर दिया था जिसमें कि मैंने उसका वीगन वर्जन अपना लिया था तो मेरा वो uh, घी खाना दूध पीना और चीटिंग करना मैंने ना बिल्कुल छोड़ दिया था दो तीन महीने के लिए तो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की थी तो ठीक है एक बार के लिए तो वेट कम हुआ पतली भी मैं दिखने लगी थी बट वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकती थी बिकॉज़ आई एम अ फूडी मैं बिना चीट मील्स के नहीं रह सकती हूँ तो वो जो मैंने दो तीन मैंने इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया ना फिर वो टूट गया एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि फैट डाइट्स और क्रैश डाइट्स लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी काम नहीं करती हैं मेरी फैट डाइट या क्रैश डाइट नहीं थी बिकॉज़ ऑफ सम मेडिकल इशू मेरे को चीट मील्स खाना जंक फूड खाना बिल्कुल छोड़ना था एक बार के लिए मैंने इसके लिए छोड़ा था लेकिन वो छोड़ने के बाद ना क्रेविंग्स इतनी बढ़ गई कि मेरे लिए अभी तक भी उसको लिमिट में करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये है नवम्बर एंड की बात नवंबर मिड की बात इनफैक्ट तो वहीं पर मेरा चीटिंग करना खाने में स्टार्ट हो गया था नवंबर 22 2020 में तो वो सब ना मैं करती थी फिर से कंट्रोल करती थी फिर से डाइट का ध्यान रखती थी हो जाती थी चीटिंग कोई नहीं फिर से कंट्रोल करती थी तो वो करते 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 क्या हो कि कभी वेट बढ़ता कभी वेट कम होता और इस वीक की डाइट में भी आप यही देखेंगे कि पहले ही वेट बढ़ गया बिकॉज एक वीक का तो बीच में मेरा डाइट का वीडियोज़ ही गायब है मैंने शूट ही नहीं किए थे क्योंकि मैं गड़बड़ खाना खाती थी मुझे समझ ही नहीं आता था क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ और फिर मैंने शूट किया है तीन चार दिन मैंने अच्छे से खाया है देन मैंने दो दिन फिर से चीट मील्स खाए हैं तो ये वाला वीक आप ऐसे ही देखेंगे धीरे धीरे कैसे मेरा वापस से वेट बढ़ा एक्चुअली आप यहाँ पर वो देखने वाले हैं रेदर दिन द एग्जैक्ट वेट लॉस बट वेट लॉस डाइट में ऐसा होता है हमारा वेट कम भी होता है वेइंग मशीन पर समटाइम्स हमारा वेट इंक्रीज भी होता है हम गड़बड़ करते हैं तो बढ़ता भी है विच इज़ वेरी नेचुरल बट हमें डटे रहना है कभी गलती हो जाती है चीटिंग हो जाती है तो वापस से अपनी डाइट को नॉर्मल करना है फिर से अच्छी तरीके से खाना खाना है ताकि फिर से वेट हमारा हो जाए। तो वी अगर गलती हो जाती है, तो okay, है। uh, सच सच गलतियां की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप, आप वो गलतियां मत करें इतने टाइम तक अच्छा डाइट जब फॉलो करा है तो प्लीज एक दो महीने की कॉन्टिन्यूसली चीटिंग एंड कॉन्टिन्यूसली डाइट को बिगाड़ने वाली चीज मत करे मेहनत पर पानी फिर जाता है फिर से हमें नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है तो रेदर देन ईटिंग लाइक पागल uh, मतलब पीछे पड़ जाना फूड की और बहुत ज़्यादा चीटिंग करना इससे अच्छा अपना नॉर्मल कंसिस्टेंट अच्छी लाइफ स्टाइल बनाओ ठीक से अच्छा खाना खाओ जो रोजुता देवेकर मैम की डाइट वीक वन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसको फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो तो उससे क्या होगा ना कि एक टाइम पर अच्छे से आ, वेट धीरे धीरे स्लोली स्लोली अनहेल्दी वेट जो है हमारी बॉडी का फैट वेट है वो स्लोली स्लोली कम हो जाएगा एंड हम सही गोल पर अपने पहुंच जाएंगे ठीक है लेकिन जो हम चीट मील्स खाते हैं वो वन स वीक खाएं कोई दिक्कत नहीं है सो so दैट ऐसे क्रेविंग्स ना हो चाहिए जैसे मुझे हो गई सो वंस इन अ वीक चीट मील खा लेना चाहिए है एंड ऐसी डाइट को फॉलो करें जो आपको लगता है आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं दिस इज समथिंग विच आई कैन फॉलो फॉर द लाइफ टाइम जो रुज तमाम की प्रॉपर वाली डाइट है विथ चीट मील और चीट डे वंस इन अ वीक वो मुझे रिक्वायर्ड है अगर मैं नहीं लेती हूँ ना दो महीने के लिए चीट मील उसके बाद मैं दो महीने कॉन्टिन्यूस चीटिंग करती हूँ इससे अच्छा तो मैं वंस इन अ वीक अपना चीट मील खाती रहूँ सो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा हफ्ता मैंने क्या क्या खाया चेक दर आउट थर्टी नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन के जी फर्स्ट मील ऑफ़ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के बाद मैं आई हैविंग माई ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मैं दो ब्राउन एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ जो हाफ टी स्पून देसी घी में मैंने कुक किया है एंड इसके पहले मैंने फाइव टू टेन मिनट्स के लिए ओम चांटिंग की थी। दो घंटे के बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ और जो नारियल में मलाई होती है उसको स्क्रेब करके खाऊंगी बिकॉज इसमें ज्यादा तो इतनी ज्यादा नहीं खाऊंगी थोड़ी सी ही खाऊंगी दो घंटे के बाद में एम हैविंग माय लंच लंच में मैं राजमा चावल और सालड खा क्वांटिटी आप देख सकते हैं एक प्लेट में हाफ ही प्लेट बना है टोटल खाने का दो ढाई घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैं वन हैंडफुल फुल मूफलियाँ खा रही हूँ पांच छह बिगे हुए बादाम एक अखरोट और साथ में एक ऑरेंज लोकल सीजनल फ्रूट दैन मैंने एक डेढ़ घंटे के बाद में थर्टी मिनट्स के लिए वर्कआउट किया लेग्स का एंड ग्लूट्स का आफ्टर दैट मैंने टेन टू फिफ्टीन मिनट्स कूल डाउन किया फिर मैंने फाइव टेन मिनट्स ओम चांटिंग की अब मैं एक स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में मिला करके पी रही हूँ एंड देन डायरेक्टली ही आई एम हैविंग माई डिनर डिनर में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आज राजमा चावल दो घंटे के बाद सोने से एक घंटा पहले मैं एक कप हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पी रही हूँ जिसमें भिगे हुए सात आठ एल एव सीड्स भी है वन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी एट पॉइंट थ्री के जी फर्स्ट मील ऑफ द डे में एक भिगा हुआ अखरोट और आधा बनाना खा रही है फाइव मिनट होम चांटिंग की आफ्टर दाइम माई ब्रेकफास्ट दो ब्राउन एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ मैं दो घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी दो ढाई घंटे के बाद में आई हैविंग माई लंच लंच में मैं एक बाजरे की रोटी बैंगन का भरता और घी शक्कर खा रही हूँ दो ढाई घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून स्नैक जिसमें मैं वन हैंडफुल चना पाँच काजू और पाँच भिगे हुए बादाम खा रही हूँ दो घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैं एक स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में पी रही हूँ दो घंटे के बाद मै एम हैविंग माई डिनर डिनर में मैं हैंड पाउंडेड वाइट और ब्राउन का मिक्सचर वाला जो होता है ना सेमी ब्राउन राइस खा रही हूँ और साथ में महा छोले की दाल और सैलड और आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है बिकॉज़ बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पाया डिनर भी लेट हो गया है बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी पूरे टाइम चल फिर रही थी तो एक्टिविटी लेवल मेरा काफ़ी हाई था सेकेंड दिसंबर फिफ्टी एट पॉइंट थ्री के जी फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक कस्टर्ड एप्पल खा रही हूँ शरीफा फल जो लोकल सीजनल फ्रूट है अभी देन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के बाद मई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मैं एक ब्राउन एग का ऑमलेट खा रही हूँ और एक uh, बाउल उपमा खा रही हूँ दो घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ दो घंटे के बाद लंच टाइम लंच में मैं गाजर का परौंठा साथ में गाय का uh, मक्खन खा रही हूँ गाय के दूध से बना हुआ दो घंटे के बाद मैं अपने मिड आफ्टरनून स्नैक में जूस पी रही हूँ जिसमें कि पालक है मेनली धनिया भी है मेथी भी है जो भी ग्रीन सीजनल वाले पत्ते वगैरह है ना वो सब कुछ एडिड है फ्रेश आंवला भी आप ऐड कर सकते हैं दो घंटे के बाद मैं इवनिंग स्नैक में मैं नट्स खा रही हूँ दो ढाई घंटे के बाद मैम हैविंग माई डिनर डिनर में मैं पुलाव खा रही हूँ गाजर गोभी मटर का दो घंटे के बाद सोने से एक घंटा पहले मैं हल्दी वाला गाय का दूध पी रही हूँ फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ देन मैंने ओम चैंटिंग करी थी फाइव मिनट्स के लिए अब मैं ब्रेकफास्ट में टू ब्राउन एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ देन दो घंटे के बाद मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं आधा कस्टर्ड एप्पल खा रही हूँ साइज बड़ा इसलिए आधा खा रही हूँ अदरवाइज तो एक ही खाती पूरा दो घंटे के बाद आई एम हैविंग माई लंच लंच में मैं रोटी और सब्जी खा रही हूँ जो भी लोकल सीजनल वेजिटेबल है आलू गोभी की सब्जी है दो स्मॉल साइज़ की रोटी है गाय का देसी घी लगा हुआ है एंड लास्ट में आधी रोटी ना मैं थोड़े से दो चम्मच घी शक्कर के साथ में खाऊंगी लंच करने के दो घंटे के बाद में आई एम हैविंग मैम मेड आफ्टरनून स्नैक्स जिसमें मैं नारियल पानी पी रही हूँ दो घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक में मैं घी रोस्टेड माना दो ढाई घंटे के बाद में डिनर टाइम डिनर करने के पहले मैं एक बार पपीता खा रही हूँ क्योंकि मुझे एक बार बहुत तेज भूख लग रही है एंड इसके पहले मैंने फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के लिए बहुत फास्ट वॉक की थी अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ लगभग एट थर्टी नाइन पी है थोड़ा लेट हो गया आज मैं हैंड पाउंडेड राइस खा रही हूँ साथ में मैं आलू गोभी की सब्जी अरहर की दाल आम का अचार और सालड डिनर करने के बाद मैं दो चार पीस कीमिया डेट्स के खा रही हूँ खजूर खा रही हूँ इट्स अ परफेक्ट हेल्दी स्वीट डिश जब भी स्वीट क्रेविंग्स हो कुछ इस तरीके का आप खा सकते हैं एंड यूजुअली मैं अपने लंच के बाद में तो गुड़ या गुड़ पाउडर खाती हूँ जागरी पाउडर शक्कर तो समटाइम्स uh, ऐसा भी कुछ मैं कंज्यूम करती हूँ दो घंटे के बाद मैं सोने से एक घंटा पहले हल्दी वाला दूध पी रही हूँ वो सैम्बर फिफ्टी एट पॉइंट थ्री के जी फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ देन uh, थोड़ी देर के बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट में ही लंच वाला खाना खा रही हूँ जो कि uh, कड़ी चावल और सैलड है बिकॉज घर में जल्दी बना हुआ था खाना तो इसलिए मैं पहले ये खा रही हूँ दो ढाई घंटे के बाद में मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में अनार और ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ सूक्ट तीन एक घंटे के बाद में आ, लंच तो मैं आज अलग से नहीं कर रही हूँ मैं सीधा ऐसे स्नैक खा रही हूँ मेरा थोड़ा टाइमिंग्स डाइट सब कुछ आज हॉच बहुत चल रहा है तो आज फ्राइडे है चीटिंग का टाइम मेरा फिलहाल मैंने फ्राइडे को सोचा हुआ है आजकल चीटिंग का बाकी देखते हैं चेंज होते रहते हैं डेज तो चीज़ बर्स्ट पिज़्जा खा रही हूँ छोटा वाला रेगुलर साइज एंड ऑल्सो चोकोलावा केक है जो मैं मे बी इसके दो एक घंटे के फिर बाद में खाऊँ या कभी खाऊँ आई हैव नो आइडिया बट हाँ मैं ये खा रही हूँ आज देन बिकॉज मैंने पिज़्ज़ा बहुत लेट खाया था चॉकोलावा केक भी खाया था तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था तो अब मैं तीन चार घंटे के बाद में ही डायरेक्टली आई एम जस्ट हैविंग मैं डिनर डिनर में मैं बिल्कुल थोड़े से कड़ी चावल खा रही हूँ बिकॉज मेरा पेट भरा हुआ है दो घंटे के बाद सोने से एक घंटा पहले मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ टेन एलिव सीड्स खाऊंगी मैं जो भिगो करके रखे हुए हैं पानी में आठ घंटे से और दो छुआरे खा रही हूँ मैं जो दूध को गर्म करते टाइम उबाल लिए थे फाइव दिसंबर फिफ्टी नाइन पॉइंट वन के जी अनकल चीज बर्स्ट पिज्जा और चौकुलावा केक के बाद तो बनता ही है वेट ज्यादा है ना एक बार फर्स्ट मील ऑफ़ द डे मैं कस्टर्ड एप्पल शेक पी रही हूँ गाय के दूध में मैंने कस्टर्ड एप्पल डाल करके बनाया और दो तीन टीस्पून शुगर भी ऐड करी है एंड यही मेरा ब्रेकफास्ट है देन इसके थोड़ी देर के बाद में आई एल है माई लंच डायरेक्टली बिकॉज अगेन आज मैं लेट उठी हूँ लंच में मैं आटे वाला एक बटर नान और पनीर लबाबदार खा रही हूँ घर पर बना हुआ बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक है पनीर लबाबदार की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दो घंटे के बाद में मैं हेयर ग्रोथ ग्रीन जूस पी रही हूँ आंवला पालक uh, मेथी वगैरह वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिड आफ्टरनून स्नैक में है ये दो ढाई घंटे के बाद मैम हैविंग माई इवनिंग स्नैक फ्रूट्स एंड नट्स फाइव मिनट्स के लिए मैंने ओम चैंटिंग करी थी अभी डिनर करने के पहले डिनर मतलब अप्रॉक्सीमेटली एट एट थर्टी पी पे कर रही हूँ अब और डिनर में मैं आटा ब्रेड का सैंडविच खा रही हूँ घर पर पे बना ही सेवन दिसंबर फिफ्टी एट पॉइंट फाइव के जी फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं पांच सात बिगे हुए बादाम एक बिगा हुआ अखरोट और एक स्मॉल uh, साइज का बनाना खा रही हूँ बनाना के च, अंदर से छिलके में जो वाइट पार्ट होता है इस वाइट पार्ट को मैं अपने स्पून uh, की मदद से स्क्रेप करके खाऊंगी बिकॉज इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है देन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के बाद में आम हैविंग माई ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मैं एक ब्राउन एग का ऑमलेट खा रही हूँ जिसको मैंने आधे टी स्पून देसी घी में कुक किया है और इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च धनिया ऐड किया है दो घंटे के बाद मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में नारियल पानी पी रही हूँ और जो नारियल में मलाई निकलती है चम्मच से स्क्रेब करके वो भी मैं खाऊंगी देन दो घंटे के बाद अब आई एम हैविंग माई लंच और लंच करने के इमीडिएटली पहले मैंने थर्टी टू तो फोर्टी मिनट्स के लिए कार्डियो किया वॉक वॉक वाला वर्कआउट किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दो घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं ग्रीन जूस पी रही हूँ आमला पालक ग्रीन पत्तों वाला दो घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं एक स्कूप प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन पाउडर पानी में पी रही हूँ दो घंटे के बाद डिनर टाइम डिनर में मैं वेजिटेबल उत्तपम खा रही हूँ फर्मेंटेड राइस और दाल से बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए एक से दो खाऊंगी मैं डिपेंडिंग ऑन माई एपेटाइट इसके पहले मैंने टेन मिनट्स के लिए चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी किया है डिनर में मैंने दो उत्पम खाए एंड उसके बाद मैम स्वीट डिश में मैं चार खजूर खा रही हूँ डेफिनेटली वेरी हेल्दी टेस्टी ऑल्टरनेटिव टू एनी स्वीट डिश दो घंटे के बाद सोने से एक डेढ़ घंटा पहले मैं एक कप गाय का दूध पी रही हूँ हल्दी और काली मिर्च वाला और साथ में मैं टेन आलिव सीड्स खाऊंगी हलीम के बीज जो आठ घंटे से पहले भिगो करके रखे हुए हैं एट्थ दिसंबर फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स के जी फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं पाँच सात बिगे हुए बादाम और एक अखरोट खा रही हूँ देन टेन मिनट्स के बाद हम हैविंग मैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मैं एक दाल वाली रोटी साथ में एक कटोरी दही खा रही हूँ और दही में चीनी भी मैंने ऐड करी है दो चम्मच बिकॉज मेरे को बचपन से ऐसे खाने की आदत है एंड वैसे भी पूरे दिन में हम टू टू थ्री टी स्पून शुगर कंज्यूम कर सकते हैं सनसेट के पहले प्रेफरेबली रोजाना तो नहीं करती खैर मैं कभी कभी खाती हूँ चीनी दो घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ दो घंटे के बाद मैं अपना लंच कर रही हूँ लंच में मैं पहले एक रोटी और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी खा रही हूँ और इसके बाद अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं आधी से एक रोटी घी शक्कर के साथ खाऊंगी दो घंटे के बाद मेड आफ्टरनून स्नैक में मैं आंवला पालक धनिया मेथी वाला ग्रीन जूस पी रही हूँ दो घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं एक स्कूप प्रोटीन पाउडर खा रही हूँ एक ग्लास वाटर में पी रही हूँ आई मीन दो घंटे के बाद डिनर टाइम डिनर में मैं वाइट सॉस पास्ता खा रही हूँ जो कि बिल्कुल हेल्दी मानोर में कुक किया है रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देन डेढ़ दो घंटे के बाद में मैं आज दूध ना पी करके रसगुल्ला खा रही हूँ स्पॉजी रसगुल्ला है घर पर बना हुआ बहुत ही हेल्दी और अच्छी स्वीट डिश होती है वन सीन वीक अगर खा लेते हैं तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी एंड देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है घर पर बनाया हुआ है तो इसकी रेसिपी का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं मेरे चैनल लुक वर्तिका कुक विद मी वर्तिका दोनों पर ही अवेलेबल है नाइन दिसंबर के जी सो दिस इज इट फुट डेज वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी आई होप मेरी गलतियों से आपने सीखा होगा कि अगर गड़बड़ करते हैं तो कैसे वेट वापस से गेन भी हो जाता है तो हमें लाइफ स्टाइल बनाना है डाइट को कभी कभी फॉलो नहीं करना है हमेशा फॉलो करना है और तरीके से करना है सो थैंकू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग विटामिन सी रेंज है जो मामा अर्थ की मेक श्योर टू चेक दट आउट लिंक्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई नो द वीडियो इज इन कोलाबोरेशन विद मामल एंड स्पॉन्सर्ड बाई मामल बट जेन्यनली गाइज दीज प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग एक बार ट्राई जरूर करके देखना एंड अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन टेक केयर लुक आर जिस लेवल दी